जैन धर्मशाला सर्वोदय परसैया घाट में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर नई तरह की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उसका मैं आरोग्य ध्यान डॉक्टर हेमंत मोहन बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे संस्था में हमारे जो संदीप जैन जी हैं, संतोष जैन जी हैं, इसके साथ साथ डॉक्टर अनुपम जैन जी ने भी बोला है कि जो भाजपा के सह संयोजक हैं, तो हम लोग उनके माध्यम से हम सब लोग हर समाज के हर वर्ग को हर प्रकार का उपचार देना चाहते हैं। हम समझते हैं कि पूरे यूपी में इतने न्यूनतम रेट पर जो तमाम तरह की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, हर वर्ग का चिकित्सक इनसे जुड़ा हुआ है और न्यूनतम रेट पर परामर्श भी मिल रहा है और दवाएं भी मिल रही हैं। तो खास तौर से दिव्यांगजनों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए और जो हमारे सेना के जवान हैं उनके और उनके परिवार के लिए निःशुल्क परामर्श के साथ साथ हम लोग प्रयास करेंगे, जो बहुत हैंडफुल टू माउथ है, उनको जांचों में और उनको जो दवाइयां भी हैं उसमें भी हम लोग न्यूनतम दरों पर दें। जिनके पास वो भी नहीं है तो हम लोग हैंडफुल टू माउथ है, उनको हम लोग निःशुल्क देने का प्रयास करेंगे। ये जैन औषधालय सरसैया घाट में यहाँ के जो मंत्री संदीप जैन जी हैं, पूरी कोरोना की लहर में इन्होंने तमाम तरह की सेवाएं प्रदान करी समाज को। तीसरी लहर भी अगर आती है, भगवान ना करे आए, तो हम लोग 24 घंटे यहाँ पर अपनी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते रहेंगे। और जैन समुदाय जिस प्रकार से समाज के हर वर्ग को स्वास्थ्य के प्रति राहत देना चाहता है, जैसे हमारे माननीय मोदी जी, हमारे योगी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका उपचार, किसी की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, एक ही मंच के तले हम लोग समस्त प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समाज के और लोग भी इनसे जुड़े हैं।